Hey guys, welcome back to my digital film। तो शुरू करते हैं अपना व्लॉग और आज में हम बात करने वाले हैं आपको एक हेयर पीआरपी के केस। अभी एक्चुअली एक नया हमारे पास केस आया है, ये आर्मी में है और इनकी पोस्टिंग जो है वो शायद कश्मीर में है, तो इस वजह से थोड़ा सा वहाँ पे ठंड रहती है, इस वजह से इनका थोड़ा सा हेयर फॉल काफी ज्यादा हुआ और इन्होंने दिल्ली में हेयर ट्रांसप्लांट। बहुत सारे हमारे पास पेशेंट आते हैं और वो बोलते हैं कि हेयर पीआरपी से कोई रिजल्ट नहीं आता है, ऐसा उनके दिमाग में बताया जाता है या किसने बताया ये मुझे नहीं पता, लेकिन ये कि बहुत सारे पेशेंटों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहते हैं कि हेयर पीआरपी से नहीं आ जाता। तो ये वीडियो बनाने का इसीलिए मतलब है कि इन्होंने हेयर ट्रांसप्लांट करवाया है और इनके बिल्कुल भी अच्छे रिजल्ट नहीं है, जैसा कि इस वीडियो में आप देखेंगे क्लियरली इनको देख सकते हैं कि आप इनको बिल्कुल भी इनके अच्छा रिजल्ट नहीं आया है, जिसकी वजह से ये हेयर पीआरपी करवा रहे हैं। क्योंकि अब देखिए बार बार वो हेयर ट्रांसप्लांट नहीं करवा सकते क्योंकि ये बड़ी सर्जरी होती है, ये आप मानिए आपकी बड़ी सर्जरी होती है और बड़ी सर्जरी हर कोई हर बार नहीं करवा लेता, एक बार बहुत मुश्किल से लोग करवाते हैं। तो अगर हेयर ट्रांसप्लांट देखिए जो है हेयर ट्रांसप्लांट है चाहे हेयर पीआरपी है, कोई भी ट्रीटमेंट, अगर कोई भी ट्रीटमेंट की हम बात करें तो आप सही डॉक्टर से सही सलाह सही तरीके से किया जाए तो ही सफल होता है। ऐसा नहीं कि ये हम इससे करवाएंगे या हमने हेयर पीआरपी जीएफसी से करवाएंगे तो अच्छा आएगा या हमारे नॉर्मल ट्यूब से नहीं आएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप सही टेक्निक से सही तरीके से करे जाएंगे तो हर चीज का रिजल्ट आता है, इसकी गारंटी मैं दे रहा हूं आपको। मैं गारंटी दे रहा हूं कि अगर 35 तक कोई भी स्टूडेंट है जिनके सर पे बाल नहीं है, हमसे लिखवा लीजिए कि हम उनको बाल गारंटी के साथ देंगे और 100% मनी बैक गारंटी की गारंटी हम देते हैं, यकीन करिए। तो इसलिए हम बोलते हैं कि सही तरीके से किया जाए तो काम सब चीज अच्छा होता है, तो इसीलिए मेरा मोटिव यही था वीडियो बनाने का। तो चलिए हम देखते हैं इस केस को कि इनका हेयर ट्रांसप्लांट हुआ है, जैसे कि आप वीडियो में समझ पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और आपको हम दिखाते हैं जो भी जैसा है। जैसे इनका देख रहे बिल्कुल भी बेकार रिजल्ट है और ये सा आप बोल नहीं सकते, लेकिन आपको क्लियरली पता चल रहा होगा कि इनकी जो फ्रंट के हेयर लाइनिंग है उसकी वजह से, लेकिन इतना बकवास रिजल्ट है जिसका कोई आप कल्पना नहीं कर सकते कि इन्होंने हेयर ट्रांसप्लांट करवाया है। इन्होंने 80,000 रुपीज़ दिया है, आप कंप्लीटली देख सकते हैं कहाँ कहाँ इनके बाल नहीं है, हमसे इन्होंने ट्रीटमेंट स्टार्ट किया है, अब इनकी मजबूरी है हमसे बहुत ज़्यादा दूर रहते हैं तो बराबर ये वापस नहीं आ सकते, तो कोशिश करते हैं हम कितना इनको अपडेट कर सकते हैं, कितना अच्छा हम रिजल्ट दे सकते हैं, हमारी पूरी कोशिश रहेगी। तो ये छोटा सा वीडियो बस यहीं तक, सही डायरेक्शन में सही ट्रीटमेंट को किया जाए तो 100% रिजल्ट रहता है, इस चीज को मैं गारंटी से बोल सकता हूं आपके सामने। तो ये हमारा केस, तो बस यहीं तक।